हमारा टॉपिक है जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, जो मसूड़े होते हैं जिनमें टीथ अटैच्ड होते हैं, उसको ओरल कैविटी के अंदर उस पार्ट को, उन मसूड़ों को हम कहते हैं गम्स। और गम्स में अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो जाए, चाहे वो किसी भी कट की वजह से हो, किसी इन्फेक्शन की वजह से हो, तो किसी भी कंडीशन में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उस इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं जिंजिवाइटिस। ओके, सो जिंजिवाइटिस के कारण क्या क्या हो सकते हैं? जिंजिवाइटिस का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति छोटी उम्र का हो, बड़े उम्र के हो, अगर अपने ओरल कैविटी का हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन नहीं करते हैं, मतलब ठीक से ब्रश नहीं करते हैं, या खाना खाने के बाद ठीक से पानी की मदद से अगर ठीक से सफाई नहीं रखते हैं, मतलब कुल्ला नहीं करते हैं, या ऐसा एक प्रॉपर एक हाइजीन अगर नहीं रखते हैं, तो उस साफ सफाई की कमी की वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मुंह में बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाना। और अगर मुंह में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो इन्फेक्शन होने के, इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एक ये चीज़ हो गया हाइजीन का। ओके, सो मुंह की सफाई मेंटेन करने के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी कारण देखी जाती हैं जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जैसे प्रॉपरली खाना नहीं खाना, मतलब जितना बॉडी को ज़रूरत होता है उतने एक संतुलित आहार जिसको कहते हैं, तो प्रॉपर विटामिन्स या प्रॉपरली जो भी मिनरल्स हैं या कार्बोहाइड्रेट हैं, इन कार्बोहाइड्रेट तो इतना नहीं लेकिन बाकी विटामिन्स वगैरह बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से, मतलब जिनकी कमी की वजह से गम्स में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। विटामिन सी पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी कमी की वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी लोगों में जिंजिवाइटिस होता है। इसके अलावा कुछ आदतें होती हैं, जैसे मतलब स्मोकिंग करना। ओके, स्मोकिंग की वजह से ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की जिन्हें आदत होती है उनके मसूड़े बहुत ज़्यादा जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। इसके अलावा पानी की कमी हो जाना बॉडी में, ठीक से पानी नहीं पीते हैं, या डिहाइड्रेशन, या ऐसी कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा हम देखते हैं कि कोई और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कैंसर है या डायबिटीज़ हैं, ये कुछ बीमारियों में हम देखते हैं कि गम्स में इन्फ्लेमेशन है। फैमिली में अगर जिंजिवाइटिस की हिस्ट्री रही हो माता पिता में या उनसे भी पहले के जनरेशन में, तो भी हो सकता है कि जिंजिवाइटिस बहुत कॉमनली हो सकता है। ओके, सो ये सारे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो सकता है। ओके, मसूड़ों के इन्फ्लेमेशंस को अगर हम टाइप्स में डिवाइड करें तो तीन तरीके के जिंजिवाइटिस हम देखते हैं, एक्यूट, रिकरेंट और क्रॉनिक। एक्यूट जो बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब बहुत सडनली हम देखते हैं कि कल तक सही थे, या आज एक दिन में या दो दिन में अचानक दर्द या बहुत लाल सा दिखने लगता है, मतलब रेडनेस आ जाती है और बहुत सूजा सूजा सा लगता है जो मसूड़े होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्यूट, बहुत जल्दी। ओके, देन रिकरेंट का मतलब होता है कि एक बार एक्यूट हुआ और वो आपने कोई दवाई ली या कुछ भी किया और वो सही हो गया, और फिर से दो दिन बाद हो गया, या फिर से तीन दिन बाद, मतलब बार बार होता जा रहा है। और क्रॉनिक का मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम है या इन्फेक्शन है वो इतनी धीरे धीरे होता है कि पहले पता नहीं चलता है, और बहुत बाद में जब एक प्रॉपर डैमेज हो जाता है उसके बाद पता चलता है, उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। तो एक्यूट, रिकरेंट और क्रॉनिक। ओके, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, मतलब लक्षण क्या हो सकते हैं जिंजिवाइटिस के। लक्षणों में हम देखते हैं कि पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, मुंह के अंदर क्या कहते हैं, बैड स्मेल आ सकता है, ख़राब स्मेल इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से। उसी के साथ साथ बहुत हल्के से भी किसी एक्टिविटी की वजह से खून आने के, ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, जैसे कि प्रेस करने पर, या अगर हम फ्लॉस यूज़ करते हैं, धागे टाइप का आता है जो दांतों के बीच में खाना फंसा हो तो उसको हटाने के लिए जो यूज़ करते हैं, उसके हल्के से भी टच पे हो सकता है। ब्रश कर रहे हैं कोई जो, तो ब्रश करते वक्त हल्का सा भी अगर कहीं लग जाए तो ब्लीडिंग हो जाना मसूड़ों में से, तो इसका मतलब है कि मसूड़े बहुत सेंसिटिव हो गए हैं, वो इन्फ्लेम्ड हो गए हैं। ओके, सो ये कुछ कारण हम नॉर्मली देखते हैं। और अगर ये चीज़ बढ़ती चली जाए तो हम देखते हैं कि मसूड़ों को जब ये इन्फेक्शन है, वो जो जॉ है, जो जबड़ा जिसको कहते हैं, जॉ का जो बोन होता है उसमें भी फैल जाता है, फिर वहाँ पे और ज़्यादा दर्द करता है। फिर उसके बाद ऐसा हो सकता है कि हम देखते हैं कि दांतों में कलर चेंजेस आ जाएं, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मली हम देखते हैं। ओके,
डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कैसे पता लगाएंगे कि जिंजिवाइटिस है? नॉर्मली देखने से समझ में आ जाता है कि गम्स इन्फ्लेमेटेड हैं, इसी के साथ साथ कैसे गम्स इन्फ्लेम हुए हैं वो जानने के लिए मेजर करते हैं, जो डेंटिस्ट होते हैं उनके पास मेजर करने के लिए होता है। नॉर्मली क्या होता है कि 1 mm से 3 mm तक की गहराई में गम्स में टीथ होते हैं, अगर उससे ज़्यादा डीप अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ पे सेंसिटिविटी है या उसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, तो मेजरमेंट किया जा सकता है, उसको देख के समझ में आता है। ओके, इसी के साथ साथ हम इन्फेक्शन है तो नॉर्मली ब्लड टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट में यहाँ पे बेसिकली दवाइयों से ज़्यादा कुछ प्रोसीजर्स किए जाते हैं, जैसे अगर वहाँ पे ज़्यादा कुछ जमा है या कुछ परत सी बन गई है तो उसको हटा देना, या बहुत ज़्यादा डीप में चला गया है तो रूटिंग करना ताकि वहाँ से जो या फिर वहाँ से निकाल लेना, जैसे सॉफ्ट टिश्यू वगैरह है जिस पे दब के बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है तो उसको वहाँ से हटा देना ताकि वहाँ पे वो जो मसूड़े हैं उनको टाइम मिल सके कि वो आराम से वो घाव जो है वो भर जाए। ठीक है, सो ये सारे प्रोसीजर्स। इसके अलावा जैसे दर्द है तो पेन किलर्स या एनाल्जेसिक्स दिए जा सकते हैं। बहुत कम ज़रूरत पड़ती है कि अगर क्रॉनिक वगैरह कंडीशंस हैं या रिकरेंट हो रहा है इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन के लिए एंटीमाइक्रोबियल्स भी दिए जा सकते हैं। ओके, सो ये मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। जिंजिवाइटिस या ओरल कैविटी की किसी भी इन्फेक्शन में जो मैनेजमेंट है उसी के साथ साथ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम पेशेंट को प्रिवेंटिव मेथड्स बता के दें, वो हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट में आता है कि क्या करें वो ताकि आगे गम्स में इन्फ्लेमेशन ना हो। ओके, तो उसके लिए हम उन्हें एडवाइस करते हैं कि वो प्रॉपरली ब्रश करें, दांतों को ब्रश करने के अलावा फ्लॉस यूज़ करने के लिए हम एडवाइस करते हैं। फ्लॉस मतलब धागा जो जो दांत के बीच में जो खाना फंस जाता है उसके लिए, क्योंकि अगर खाने का कुछ भी एक अंश रह जाता है दांतों के बीच में तो वो वहाँ पे ख़राब होके फिर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो वो ना हो इसलिए हम उन्हें एडवाइस करते हैं। प्रॉपरली डेंटल चेकअप्स कराने के लिए हम एडवाइस करते हैं, साथ ही साथ स्मोकिंग या अल्कोहल वाली आदतें हैं तो वो कम या बंद करने के लिए हम एडवाइस करते हैं। प्रॉपर आहार लेने के लिए और साथ ही साथ विटामिन सी की मात्रा भरपूर लेने के लिए हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। ओके, सो ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं जो हम पेशेंट को एडवाइस करेंगे। साथ ही साथ हमें पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो प्रॉपरली पानी पिए, बहुत ज़्यादा पानी पीने से भी चांसेस होते हैं कि बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सकती हैं गम से रिलेटेड। ओके, सो ये था प्रिवेंटिव मेजर्स में। सो आज हमने पढ़ा जिंजिवाइटिस के बारे में, एक ऐसी स्थिति जहाँ पे मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ओके, सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।